हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टडर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स और बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स हैं उन्हें हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्लासीफाई किया है उनके आर ग्रुप के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आर ग्रुप जो उसके बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स उन्हें क्लासीफाई किया है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के जो लाइक आर ग्रुप हैं वो क्या क्या हैं, और उन आर ग्रुप्स में जो है कितने टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक लिख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप के, जैसे क्या एलिफेटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या अमीनो एसिड जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की। किसकी? एलिफेटिक। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की। अब हम इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर कौन कौन से जो अमीनो एसिड्स हैं वो एलिफेटिक कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अमीनो एसिड्स है वो आपका एक है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हो गया। सेकंड आपका हो गया एलानिन, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसिन। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपके जो है एलिफेटिक अमीनो एसिड्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये एलिफेटिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें दूसरी कैटेगरी। तो हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो आपका है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एरोमेटिक कैटेगरी में हमारे कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं? एक तो आपका आता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट आपका है टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये तीनों जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपके जो हैं वो एलोमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। थर्ड हमारा है हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, मीन्स वो अमीनो एसिड जिनके अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल कैटेगरी। तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं? इसमें दो ही हैं, एक सेरीन आपका हो गया, दूसरा आपका है थ्रेओनिन। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेरीन में और थ्रेओनिन में, इसीलिए जो है इसे हाइड्रोक्सिल कैटेगरी में प्लेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक। क्या है? कार्बोक्सिलिक मीन्स किसमें? इसमें जो है आपका COO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा अमीनो एसिड जिसमें COO ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो ये आपका होगा एक एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। जैसे आपको नाम से लग रहा है एसिड, तो यानी मीन्स इसमें क्या है? COH प्रेजेंट है, COH ग्रुप प्रेजेंट। तो इसीलिए ये हमारे हो गए एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये जो है ये आपके कार्बोक्सिल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सल्फर कंटेनिंग। क्या है नेक्स्ट? सल्फर कंटेनिंग यानी कौन कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें जो है सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है या सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्या है? सल्फर कंटेनिंग। तो इसमें हमारे कौन से ग्रुप हो गए? इसमें हमारे कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए? तो दो ही हमारे अमीनो एसिड है जो जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। एक तो आपका हो गया सिस्टीन, एंड दूसरा क्या आपका है? वो है मिथियोनिन। ठीक है, तो सिस्टीन मिथियोनिन में जो है आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ठीक है, यानी उसमें क्या, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं स्ट्रक्चर पे आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें कौन कौन सा जो एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसका मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या हो गए? एक तो सिस्टीन हो गया और दूसरा आपका हो गया मिथियोनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
लाइक क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है नीट हो, चाहे सीएसआईआर हो, चाहे आपका आईसीएमआर डीबीटी का एग्जाम हो, उन सब में जो है पूछा जाता है कि आप बताइए कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है या कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वो आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो उन चार ऑप्शन में जो है आपको चूज करना होगा कि कौन से अमीनो एसिड जो है उसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं ये ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप, तो इम्यूनो ग्रुप कौन सा अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है वो आप सबको पता है, एक ही अमीनो एसिड है, कौन सा है वो आपका प्रोलीन, कौन सा है प्रोलीन। अब प्रोलीन क्या है, जब भी प्लांट कभी भी जब स्ट्रेस में होता है तो सबसे ज्यादा प्रोलीन, एक दूसरा अमीनो एसिड होता है गाबा, तो दो अमीनो एसिड जो है या हम बोल सकते हैं जो प्रोलीन मेनली बोलते हैं ये एक अमीनो एसिड है, गाबा क्या है हमारा, गाबा अमी गामा गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ऑस्मोलाइट है, तो प्रोलीन और ऑस्मोलाइट और जो गाबा है वो जब भी प्लांट जो है बहुत स्ट्रेस में होता है, चाहे आपका हाई लाइट स्ट्रेस हो, चाहे आपका सैलिनिटी स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, अगर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस होता है तो देर इज अ डिपोजिशन या एकुमुलेशन ऑफ प्रोलीन एंड गाबा, ठीक है। तो प्रोलीन और गाबा ये क्या है, एक टाइप के आपके ऑस्मोलाइट्स हैं, जिसमें प्रोलीन आपका एमिनो एसिड है और गाबा है वो आपका ऑस्मोलाइट, तो इन दोनों का डिपोजिशन जो है वो बहुत होता है, मतलब प्लांट जो है अपने आप को ट्राई करता है प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेस में, अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए जो एक्युमुलेशन होता है प्रोलीन और गाबा का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग अगर अमीनो एसिड की हम बात करें तो आपका हो गया वो प्रोलीन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा अमीनो ग्रुप कंटेनिंग, ये कौन से ऐसे अमीनो एसिड इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप, तो हमारे दो अमीनो एसिड हैं हमारे पास जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका लाइसीन एंड अर्जिनिन, तो ये दोनों जो ग्रुप हैं अमीनो एसिड हैं इसमें जो है आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा। अमीनो ग्रुप मतलब यहाँ पे आपको NH2 जो है वो आपको साइड चेन में देखने को मिलेगा, ठीक, इसीलिए इसे अमीनो ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एमाइड ग्रुप कंटेनिंग, नेक्स्ट क्या है, एमाइड ग्रुप कंटेनिंग, तो एमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, एक तो आपका हो गया एस्पराजिन और एक ग्लूटामिन, एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन, ठीक है। तो ये दोनों जो अमीनो एसिड है एस्पराजिन और ग्लूटामिन, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको एमाइड ग्रुप देखने को मिला गया। एमाइड ग्रुप मतलब क्या होता है, COOH2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एमाइड ग्रुप है। तो ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं, तो ऐसे सिर्फ दो ही अमीनो एसिड हैं जिसमें आपको एमाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, एक आपका एस्पराजिन एक ग्लूटामिन। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे जो है रिवाइज करा देता हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप यानी आर ग्रुप की बेस पे जो उसका साइड चेन होता है उसकी बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे लाइक अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया है। तो पहली कैटेगरी है हमारी एलिफेटिक में, तो एलिफेटिक में कौन से अमीनो एसिड आते हैं, ग्लाइसिन एलानिन वैलिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जो है वो आपकी आते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड में, क्लियर। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एलोमेटिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है, जहां पे आपको जो है बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस वे में जो है बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब जिन भी अमीनो एसिड में बेंजीन रिंग देखने को मिलती है वो जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो आपका फिनाइल एलानिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड एरोमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल पार्ट, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आर ग्रुप के बेस पे वो क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको साइड चेन में जो है OH ग्रुप देखने को मिलेगा, तो सेरीन और थियोनिन में क्या है आपको यहाँ पे OH ग्रुप देखने को मिलेगा, इसीलिए जो सेरीन और थियोनिन है उसे आपको उसे हाइड्रोक्सिल कैटेगरी में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट आपका एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड है, तो इन ग्रुप में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइड चेन में COO निगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी COOH, यानी कि इनकी साइड चेन में क्या है आपको कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में आपको यहाँ पे जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, इसीलिए एसिडिक है ये, ठीक है, ये एसिडिक अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट आपका सल्फर कंटेनिंग, अब इसकी साइड चेन में जो है आपको देखने को मिलेगा एस कंटेनिंग, यानी कि यहाँ पे आपको सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसीलिए जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सिस्टीन और मिथियोनिन आपके हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट आपका जो है वो प्रोलीन, ठीक
है, तो प्रोलीन आपका क्या है, ये इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो मैं जब क्या आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये कैसे होता है। प्रोलीन का अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो आपको कैसे देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे CH देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे NH2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इम्यूनो ग्रुप देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है प्रोलीन है वो इम्यूनो कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अलावा अमीनो ग्रुप की अगर बात करें लाइसिन अर्जिनिन की, तो यहाँ पे आपको NH2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साइड चेन में आपको NH2 देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। वहीं अगर बात करें एस्पार्जिन ग्लूटामीन में, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दें कि मैंने आपको यहाँ पे CO और NH2 जो है वो ग्रुप देखने को मिलता है, इसीलिए जो है इसे एमाइड ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ग्रुप है ये हमारा CONH2 जो है वो एमाइड ग्रुप है, इसीलिए एस्पार्जिन और ग्लूटामीन में आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, एस्पार्जिन और ग्लूटामीन में आपको CONH2 जो है वो एमाइड ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप उसका नोटिफिकेशन जाना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।